इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला टेस्ट, अहमदाबाद में फैंस को दिखेगा हैरत अंगेज नजारा। रोहित शर्मा या स्टीव स्मिथ की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उछालेंगे सिक्का। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों के टेस्ट सीरीज का चौथा और निर्णायक मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच फैंस के साथ साथ खिलाड़ियों के लिए भी काफी ऐतिहासिक बनने जा रहा है, क्योंकि दोनों देशों के प्रधानमंत्री चौथे टेस्ट के पहले दिन स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे टेस्ट मैच के टॉस के दौरान मैदान पर दोनों कप्तानों के साथ मौजूद रहेंगे और वह खुद टॉस के लिए सिक्का उछालते हुए भी नजर आ सकते हैं। इससे पहले ये भी खबर थी कि वह मैच के दौरान कमेंट्री बॉक्स का भी हिस्सा बन सकते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एथिन अल्बनीस इस समय भारत के दौरे पर हैं। वह 8 से 11 मार्च तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। बता दें, मोटेरा में पुनर्वर्तित स्टेडियम का नाम पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर ही रखा गया है और ये भारत के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम है। कई रिपोर्ट के अनुसार मोदी मैच शुरू होने से पहले टॉस के दौरान सिक्का भी उछालते हुए दिख सकते हैं, हालांकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भारत ने 2021 से इस मैदान पर खेले गए दोनों टेस्ट जीते हैं। शुरुआत दो मैच जीतकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लगातार चौथी बार रिटर्न करने में कामयाब हुई है। भारतीय टीम को तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने इंदौर टेस्ट जीतकर विश्व टेस्ट चैंपियन के फाइनल में जगह बना ली थी, जबकि भारत के पास खुद से किताबी मुकाबलों में पहुंचने के लिए अहमदाबाद टेस्ट आखिरी मौका होगा। जी हाँ दोस्तों, क्या टीम इंडिया जीत हासिल कर पाएगी? क्या सीरीज पर कब्जा कर पाएगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।